अच्छे होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे, कब्र के घरों में आबाद रखे। तो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक स्टॉल है, किड्स बच्चों के जो खिलौने हैं, टॉयज हैं, उनका जो या फिर अंकल ने जो पीछे स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये अंकल है जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। तो जैसा कि आप सबको पता है मेला जो नज़दीक आ चुका है, तो उसकी वजह से टॉयज वगैरह जो बच्चे खरीदते हैं, तो अंकल अभी अपने स्टॉल पर जो अपनी छोटी सी शॉप लगाई है, स्टॉल पर जो टॉयज लगाए हैं किड्स के, तो अभी हम अंकल से पूछेंगे इनकी कीमत क्या है और महंगाई होने की वजह से इनकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है और कौन कौन सी वैरायटी है, कौन सी क्वालिटी के चीज़ें हैं जो टॉयज वगैरह जो है वो अंकल के पास मौजूद है। अंकल की जुबानी अंकल से भी जो पूछ गए सवाल जो अंकल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है अंकल जी? अच्छा अंकल जी, आपने ये माशाल्लाह से क्या भी प्यारा स्टॉल लगाया हुआ है किड्स टॉयज का, तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं टॉयज बच्चों के खेलने के? फुटबॉल है, गाड़ी है, पिस्तौल है। अच्छा, और ये सुलो वाले पिस्तौल है, सुलो वाले मोबाइल है। अच्छा, फुटबॉल की क्या प्राइस है? काफी प्यारे प्यारे फुटबॉल बैंकर रखे हुए हैं, देखो इसकी कीमत है 450 रुपया। 450 रुपये, अच्छा है। काफी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है गुजरात की। गुजरात की, गुजरात से मंगवाया गया ये। अच्छा अंकल, अब कब ये आपने शॉप लगाई है और कितनी देर हुई आपको? मेरा तो हमारे जितना बच्चा था मैं शुरू किया काम ये वाला। हाँ, अभी ये बुढ़ा हो चुका हूँ तो फिर भी काम कर रहा हूँ। यही वाला काम कर रहे हैं? यही काम कर रहा हूँ। मेरे जितने थे तब तो ये काम कर रहे हैं, यही 10-11 साल के थे आप, अब ये काम शुरू किया आप, अभी तक ये काम कर रहे हैं। दिन का कितना अर्न कर लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है, जो मालक चाहता है वो मिल जाता है, जो अल्लाह दे देता है वो मिल जाता है, जो अल्लाह ने किस्मत मिली है वो आपको मिलता ही मिलता है। अच्छा, उसके अलावा अंकल आप ये गाड़ी वगैरह जो काफी, ये इस रेड गाड़ी की कितनी कीमत है? इसके 500 रुपया है एक गाड़ी की। एक गाड़ी की, ये रिमोट वाली है या फिर दूसरी है? सेल वाली है। सेल वाली है, 500 रुपये इसकी कीमत है। महंगी महंगाई हो चुकी है, लाइटें बलेंगी, हॉर्न चलेगा, गाड़ी आगे पीछे घूम घूम के जाएगी, ठीक, इसलिए महंगी है। अभी इधर चला के दिखाऊं तो तुम्हारी होश खुल जाएगी, आपकी भी होश खुल जाएगी, क्या गाड़ी है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा अंकल हमने क्या क्या चीजें रखी हुई है? ये आपके सामने पड़ी हुई है, देख लो। अच्छा, ये बॉल्स कितने की है? ये कौन सी बॉल है? ये 20 रुपए की है, ये 60 रुपए की बॉल है। 60 रुपए की। अच्छा, तो देखिए माशाल्लाह से काफी अंकल ने प्यारी प्यारी जो खिलौने बच्चों के बैट बॉल वगैरह जो है हर चीज अंकल के पास मौजूद है, ट्रैक्टर से लेकर जो क्रेन वगैरह, गाड़ियां वगैरह, फुटबॉल वगैरह, उसके अलावा जो बास्केट वगैरह, ये सारी चीज अंकल के पास जो है ना मौजूद है। काफी प्यारे से छोटी सी स्टॉल पर जो अंकल ने जो है ये शॉप लगाई है, यहाँ पे अंकल मुर्गा देखिए अंकल है, वहाँ पर अपना मुर्गा भी रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अंकल आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे अपनी ये स्टॉल को चले जाते हैं? सुबह 9 बजे निकलता हूँ। अच्छा, रात 8 बजे तक काम करता हूँ, 12 घंटे तक काम करते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं इस स्टॉल पे, ठीक। अच्छा अंकल, आप मेले पे सिर्फ आते हैं या फिर पहले भी? मैं अभी मेला कहाँ लगा हुआ है, जब जेब में पैसा होगा ना, ये ऐसे पैसा होगा हर टाइम मेले ही मेला है, पैसा नहीं जेब में मेला नहीं है, ठीक। अच्छा अंकल, ये आपने ये शॉप लगाई है मेले मेले के बाद भी आपके लगाते हैं? मैं हर टाइम लगाई रखता हूँ। हर टाइम लगाते हैं? देखें, वैसे तो अंकल ने छोटी सी शॉप लगाई है, लेकिन अंकल के पास जो है हर चीज़ अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। काफ़ी प्यारी अंकल ने ये जो है शॉप लगाई है, तो यहाँ पर गल्ला वगैरह, मोबाइल वगैरह। अच्छा, ये मोबाइल की अंकल क्या कीमत है? ये जो फेक मोबाइल की कीमत है 150 रुपया। 150 रुपये, पिछली बार आपको पता होगा कीमत का, पिछली बार क्या कीमत है और अब क्या कीमत है, इसकी कीमत में इजाफा? 100 रुपया। अच्छा, आप 150, महंगी हो चुकी है। अच्छा, ये फुटबॉल की पहले क्या कीमत थी और अब क्या कीमत में? इसकी कीमत थी पहले 300 रुपया, 250 रुपया। अच्छा, अभी 450 रुपया इसकी कीमत है। अब 450-450 रुपये इसकी कीमत होगी, 400 से कम नहीं है। अच्छा, नहीं अंकल, वैसे बाजार में लोग कम रेट पे भी सेल करते हैं, बाजार ऊपर है, बाजार ऊपर है, स्टॉल आपके पास अपनी शॉप नहीं, इसलिए आप सस्ती चीजों पे सेल कर रहे हैं। अच्छा अंकल, ट्रैक्टर की क्या कीमत है? इस वाले ट्रैक्टर की 150 रुपये इसकी भी कीमत है। देखिए, यहाँ पर अंकल के पास जो ट्रैक्टर मौजूद है इसकी कीमत 150 रुपये है, तो हर चीज़ की कीमत में जो है इजाफा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, खिलौना से लेकर जो घर की ज़रूरत की चीज़ जो जितनी भी है उनकी कीमत में जो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, महंगी हो चुकी है, हर चीज़ बड़ी महंगी हो चुकी है। तो महंगाई होने की वजह से जो है पहले रेट कम थे और अब रेट जो है उसके डबल हो चुके हैं, दुगने हो चुके हैं रेट, काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो बहुत
अभी माशाल्लाह से अंकल ने बात की, अंकल अपना इतना वक्त दिया हमें, अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंकल से हमने बात वगैरह की है, तो ये अंकल का स्टॉल है, तो आज का अंकल ने स्टॉल लगाया। अंकल बता रहे हैं कि पिछली बार की कीमतें कम थी और अब जो है उसकी डबल हो चुकी है कीमतों में। काफ़ी ज़्यादा बच्चों से चीज़ें जो हैं चॉइस वगैरह की हैं, खिलौने वगैरह, तो उनकी कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और घर की ज़रूरत की चीज़ का तो आपको पता ही है, वो तो हर हद से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। कुछ लोग हैं जिनके पास अपनी शॉप नहीं है, इस वजह से वो स्टॉल पे सेल करते हैं और कम कीमत थोड़ी सी कम लगा के ताकि उनकी चीज़ सेल हो जाए, इसलिए वो सेल कर देते हैं। अंकल अभी इस तरह ही है, अंकल के पास अपनी शॉप नहीं है लेकिन अंकल ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है चीज़ का, और इस वजह से थोड़ी सी कम कीमत पर जो अंकल सेल कर रहे हैं। तो अंकल को भी सहयोग करता हूँ, अंकल इतनी मेहनत में गर्मी में काम करते हैं। तो अंकल कह रहे हैं मैं 12 घंटे काम करता हूँ, 9 बजे निकलता हूँ, 8:30 बजे घर वापस जाता हूँ रात। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है, स्टॉल को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर जगह एक जगह जाना दूसरी जगह जाना, इस तरह फिरते रहते हैं अंकल, अंकल के सेल करते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस महंगाई के दौर महंगी चीज़ें हो चुकी है, लोग ज़्यादा खरीदते भी नहीं इस तरह की चीज़ें, टॉयज़ वगैरह महंगी होने की वजह से जो लोग नहीं खरीदते। पहले बच्चे ज़िद करते थे तो लोग खरीद देते थे, लेकिन अब जो माँ बाप जो है महंगी होने की वजह से टॉयज़ वगैरह जो है कम खरीदते हैं बच्चों के लिए। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अंकल के जैसे कारोबार में जो मजीद तरक्की था फरमाए अल्लाह पाक। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उनको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।